अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मेरी प्यारी बहनें? होपफुली बिल्कुल ठीक होंगी। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो प्यारी बहनों, रोज़ाना की तरह आज भी मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स, ट्रिक्स, हैक्स और आइडियाज़ लेकर आई हूँ। वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको पता चल सके कि आपके लिए मैंने क्या क्या वीडियो में शेयर किया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल नहीं जाएगा। प्यारा सा छोटा सा मुन्नू सा कॉमेंट भी कर दिया करें ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है। चलिए टिप नंबर वन की तरफ आ जाते हैं। और यहाँ पर है जनाब एक छोटा सा टूल हमारे पास, जो कि सभी घरों में आजकल मौजूद होता है, क्योंकि हर घर में ही पिज़्ज़ा तकरीबन खाया जाता है। यह है पिज़्ज़ा सेवर। इससे बनाया है मोबाइल, यहाँ बनाया है मोबाइल स्टैंड। अब आपने इस पर सिंपल यही इसको रखें, स्टार्ट करें अपनी मनपसंद वीडियो, आप जो भी देखना चाहें देख सकते हैं। किचन में रखें, डाइनिंग टेबल पर रखें, सेंटर टेबल पर रखें, जो भी आपको जहाँ जगह मिले आप इसे रख सकते हैं और यूज़ करते रहें। है ना कमाल की टिप, ज़ीरो बजट। आ जाते हैं टिप नंबर टू की तरफ। सर, हमारे घर में इस तरह की लेसेस या बचे हुए दुपट्टे वगैरह पड़े होते हैं, तो अब हम इन्हें कैसे रीयूज़ करेंगे? हम बनाने वाले हैं ईयरिंग, और ये मेरे पास पुरानी एक जोड़ी पड़ी हुई है जो कि मैं वेयर नहीं करती, तो मैंने सोचा आपके साथ आइडिया शेयर कर लूँ। अब हम इन दोनों को खोल लेंगे फिर यूज़ करेंगे। इसमें एक छोटू सा होल कर लेंगे हम इसी की हेल्प से, या कभी कभी कपड़े में होता भी है होल, तो इंसर्ट कर दें इसको, जो मैंने ये पल्स उठाया हुआ है, और हम इसको लॉक कर देंगे। ठीक है जी। अब इसका ऊपर वाला पार्ट भी मैंने इसमें इंसर्ट किया, उसे लॉक किया, और ये रेडी हो गई है। तो देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, है ना। लो बजट, ज़ीरो कॉस्ट, और घर की चीज़ों को हमने रीयूज़ किया है। अब आ जाते हैं जनाब, आ जाते हैं टिप नंबर थ्री की तरफ। हमने ले ली है अंडों की खाली ट्रे। अब हमने सारी जो ट्रे में अपनी जितनी भी हमारे पास धागे की रील थी इन्हें ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। उसके अलावा ये एक और मेरे पास बॉक्स था, इसमें ये जो हमारे सिलाई के जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें हमारे ज़रूरत की होती हैं वो सब हमने इसमें ऑर्गेनाइज़ कर ली हैं। तो है ना, ये भी लो बजट, ज़ीरो कॉस्ट, बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट, बेस्ट चीज़ों से हमने ये बनाया है। जैसे कि सर्दियां हैं, ज़्यादातर हर घर में अंडे आ रहे होते हैं, कभी सूप के लिए और कभी यखनी के लिए, वैसे ही बॉईल करके खाने के लिए, तो अक्सर घरों में ये चीज़ें वेस्ट जाती हैं। आप इसे फेंके नहीं, आप इसे ऑर्गेनाइज़र बनाएं, आप इसे खुला भी रख सकते हैं और आप इसे बंद करके भी अपने ड्रॉअर वगैरह में रख सकते हैं, टेबल पर भी रख सकते हैं। तो है ना ज़बरदस्ती टिप। आलू अगर आपने जल्दी गलाने हैं, दो टिप हैं इसमें, तो इस तरह से बीच में हल्का सा कट लगा दें, जिससे कि आपके आलू जल्दी भी गलेंगे और आपके आलू का छिलका भी बहुत अच्छे से उतर जाएगा। तो देख सकते हैं आप, जैसे कि अभी सर्दियां हैं, सर्दियों में इसी तरह के ही आलू आते हैं, नए आलू, और ये बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। तो चलें जी, इनको हमने बॉईल करने रख लिया है। मैं आपको इसका लिड हटा के दिखा रही हूँ, ये अच्छी तरीके से पक रहे हैं। इतनी ही आंच में आपने पकाना है, बहुत ज़्यादा पानी को खोलाना नहीं है। उसके बाद ये देखें कितनी आसानी से इसकी जो स्किन है, इसका छिलका रिमूव हो जाएगा इस पे से, क्योंकि हमने जहाँ जहाँ कट लगाए थे बस वहीं से हमने इसको पुल करना, और ये तो वैसे ही निकालने में ही हट गया है। तो है ना, ये भी ज़बरदस्त आइडिया। तो बस आप मेरी वीडियो पूरी देखा करें, मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ज़बरदस्त आइडियाज़ लेकर आती हूँ, टिप्स, ट्रिक्स, हैक्स लेकर आती हूँ, और यही वजह है कि आप लोग मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। आ जाते हैं टिप नंबर फाइव की तरफ। ये भी हमारी किचन से रिलेटेड है। ये देखें इस तरह से हरा धनिया के जब हम बंच को साफ़ करते हैं कि हमने इसको काटना है सालन वगैरह में डालने के लिए, चटनी के लिए, तो अक्सर ख़वातीन क्या करती हैं कि इसके जो डंडियाँ हैं इन्हें फेंक देती हैं। इसे बिल्कुल भी ना फेंकें, इसमें ही सारा जायका और इसकी अफादियत है, सारी इसी में ही होती है। तो आप इसको चटनी में यूज़ कर लें अगर आप सालन में नहीं यूज़ करना चाहते हैं। तो टिप नंबर सिक्स की तरफ आ जाते हैं। ये देखें कितनी जल्दी गल गए हैं ये आलू, ये वही आलू हैं। और अब हम इनका छिलका किस तरह उतारेंगे ये मैं आपको दूसरी टिप दे रही हूँ। ये देखें सर से प्रेस करेंगे। अब ये हमारा एक वक्त में दो काम हो रहे हैं, क्योंकि आलू को हमेशा इसीलिए बॉयल किया जाता है कि उन्हें मैश किया जाए। तो आपने जब मैश करना है तो आप इस तरह से ये जो हमारा पकौड़ों वाला स्पाइडर होता है जो हम फ्राई के लिए यूज़ करते हैं, आप इसके बीच में रखें, प्रेस करें और छिलका इजीली निकल जाएगा। अक्सर ख़वातीन छिलका उतारने के लिए से थोड़ा सा इरिटेट होती हैं, तो उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ये टिप है। बिल्कुल आप देख लें, कोई इसमें हमारी जो है ना मेहनत भी नहीं लगी, कोई हमारा पैसा रुपया खर्च नहीं हुआ, और ये देखें कि कितनी ज़बरदस्त ज़बरदस्त टिप्स
आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। और ये आइडिया तो बहुत ही ज़बरदस्त है, मैं हमेशा इसी को फॉलो करती हूँ। चिकन हमने उबाल ली है, जब भी आपने चिकन उबालनी हो, उबाल के आपने उसको रेशे बनाने, तो आप इस तरह से काउंटर टॉप ले लें, चकोटी ले लें जो चकला कहते हैं, या आप रोटी का मेट ले लें, उस मैट पर रखकर आप इस तरह से बेलन से प्रेस करेंगे, रोल आउट करेंगे जिस तरह रोटी बेलते हैं। और उसके बाद जब आप इसे अपने हाथों में लेंगी तो आप देखिएगा कितनी अच्छे से इसका रेशा बन जाएगा। और अब आप देख लें कितना ज़बरदस्त इसका रेशा बन गया है, ये देखें। आगे चल के मैं आपके साथ इसकी एक और टिप शेयर करूंगी, और उम्मीद है कि आपको मेरी ये टिप भी पसंद आई होगी। आ जाते हैं टिप नंबर 8 की तरफ। जैसे कि अभी सर्दियां हैं और हमें डिफरेंट डिफरेंट डिशेस बनानी होती हैं, जैसे कि कुछ लोग चाइनीज़ भी सर्दियों में गर्मा गर्म खाना पसंद करते हैं, तो उसके लिए भी आपने ये इस तरह से श्रेड करके रख लेनी है, और चिकन को फ्रीज कर लें आप एक बॉक्स में रख कर। और आप चाहें तो चिकन कटलेट्स बनाते हैं सर्दियों में, ये भी बड़े मज़े देते हैं चिकन कटलेट्स, तो आप रख सकते हैं, सूप के लिए रख सकते हैं। ये वही चिकन है जिसको मैंने अभी श्रेड करके दिखाया है। अच्छा जी, अब मैंने तो ये चिकन कटलेट्स बनाने के लिए बॉईल की थी, इसलिए चिकन पोटैटो कटलेट्स। अगर आप कहेंगे तो मैं उसकी रेसिपी आपके साथ नेक्स्ट किसी डे शेयर कर दूंगी। अब आ जाते हैं टिप नंबर 9 की तरफ, जो कि बहुत ही यूज़फुल है। यहाँ हमने चिकन बॉईल की थी चिकन पोटैटो कटलेट्स के लिए, और अब हमारे पास जो यखनी है वो वेस्ट जाएगी, तो हम उसे वेस्ट नहीं करने वाले, क्योंकि आपने अगर कभी इसको उठाकर और फ्रीज़र में रख लेना है, सेव कर लेना है, जब भी आप कोई सूप बनाएं या आप पुलाव वगैरह बनाएं तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। और वैसे भी जैसे कि आजकल सर्दियां हैं तो सूप भी हर घर में बन रहे होंगे, और हम इसको वैसे भी पी सकते हैं। तो आ जाते हैं, ठीक है जी, अब आ जाते हैं अपनी टिप नंबर 10 की तरफ, जो कि बहुत ही यूज़फुल है। यहाँ मैंने ले लिया है एक तवा, आप कोई भी तवा ले लें, नया पुराना कोई इसमें इशू नहीं है। उसके बाद मैंने 2 टेबल स्पून डाला था नमक, और 1 टी स्पून हमने इसमें शैम्पू ऐड कर दिया था। आपके पास जो भी शैम्पू हो, साशे वाला हो, किसी भी ब्रांड का हो, जो आपके घर में अवेलेबल हो वो शैम्पू ले लें आप। अगर वो भी नहीं है तो आप डिश वॉश ले लें 1 टीस्पून। उसके बाद हाफ ग्लास पानी लिया था, हाफ ग्लास में से भी मैंने थोड़ा बचा लिया है, और इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से एक बॉयल आने दूंगी ताकि ये अच्छे से डिसॉल्व हो जाए, मिक्स हो जाए, यकजान हो जाए। आज हम एक सोल्यूशन बनाने जा रहे हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाला है और बहुत ही पसंद आएगा, और क्योंकि ये है भी बहुत कारामद, तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप इसी तरह बनाइएगा, अप्लाई कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि ये कैसा लगा आपको। इससे पहले भी मैंने इस तरह की क्लीनिंग वगैरह की हैक्स आपको आपके साथ शेयर किए हैं, और मुझे उस पर बहुत बहुत अच्छा फीडबैक मिला, आप सबका बहुत रिस्पॉन्स अच्छा मिला, इसलिए मैं भी क्लीनिंग के हवाले से ही वीडियो लेकर आई हूँ। आप अगर कोई और क्लीनिंग मुझे से सीखना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा। अच्छा, उसके बाद थोड़ा जब मैंने पका लिया तो मैंने यहाँ 2 लेमन कट करके रखे हुए थे, उनका जूस इसमें मैंने ऐड कर दिया, बाकी का पानी भी डाल दिया है। अब हम इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 से 1.5 मिनट पका लेंगे ताकि सब चीज़ें अच्छी तरह से पक जाएं। हमने कोई इन्हें गलाना नहीं है, जस्ट हमने इनको एक मिक्स ही देना है कि ये मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से। उसके बाद में लेमन के छिलके भी मैंने इसी में ऐड कर दिए थे ताकि और भी अच्छी सी प्यारी सी इसकी खुशबू आ जाए। चलें जी, इसका फ्लेम थोड़ा सा मैंने बढ़ाया है ताकि ये बन जाए, क्योंकि मैंने बिल्कुल दम वाली आँच पर बनाया था इसको। ये बस अब रेडी हो गया, फ्लेम ऑफ कर देंगे, और मैंने इसको निकाल लिया बॉल में। अब हम डाल रहे हैं इसमें मीठा सोडा 1 टेबल स्पून, तो आप देखें कितने अच्छे से इसका रिएक्ट हुआ है। अब ये हो गया रेडी, अब हम इससे करके दिखाते हैं आपको क्लीनिंग। जो हमारी किचन कैबिनेट्स होती है ना, उसके वहाँ पर अक्सर इस तरह से मैल मैल सा हो जाता है, आप कितना भी क्लीन कर लें, क्योंकि हम झाड़ू से कर रहे होते हैं, खड़े होकर कर रहे होते हैं, या बैठ कर भी इतनी ताकत से नहीं करते, तो वहाँ पर ना थोड़ा सा इस तरह का हो जाता है, जैसे मैल रह जाता है एक तरफ से, या पोछा भी अगर लगा रहे हैं साइड्स पर किसी भी वॉल की, तो वहाँ पर भी ना इस तरह से मैल कुचैल रह जाता है। अब आप देख रहे हैं कितनी जल्दी जल्दी मैल ने निकलना शुरू कर दिया है, मैंने अभी डाला है, इसे छोड़ा नहीं है, और मैल देखें आप, वरना आपने स्टार्ट में देखा होगा आपको साफ लग रहा होगा, लेकिन जो छुपी हुई डर्ट होती है ना, वो देखें कितने अच्छे से इसने क्लीन किया है, और कोई टाइम नहीं लगा, हमने इसे छोड़ा नहीं है, कोई टाइम नहीं दिया, बस फ़ौरन ही मैंने इसको डाला और आपको रगड़ के दिखा दिया। और अब मैं इसे वॉश भी कर रही हूँ, और ये कितना वाइट होता जा रहा है माशाल्लाह। तो है ना, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त और यूज़फुल आइडिया। और देखें आप, घर में से ही हमने सारी चीज़ें ली हैं, और कोई हमने इतनी बड़ी क्वांटिटी में नहीं ले ली, क्योंकि जितना मैंने अमाउंट बनाया है ये एक किचन के लिए काफ़ी है। ठीक है जी,
तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ, कैबिनेट के ही नीचे वाला हिस्सा था, किचन कैबिनेट के। तो उम्मीद है कि ये सोल्यूशन भी आपको पसंद आया होगा। और अगर आप चाहते हैं बर्तन चमकाने वाला सोल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करूँ या काला तेल की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ, तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आपके लिए ज़रूर बनाऊँगी इस तरह की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल नहीं जाइएगा, इससे आपकी बहन की हौसला अफजाई होती है। छोटा सा प्यारा सा मुन्नू सा कमेंट भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।